हम यहाँ पे प्लूटस आईएएस के क्लासेस में हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य, इसके दूसरे क्या पहलू थे। जैसे नमस्कार साथी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं प्लूटस आईएएस में इतिहास का फैकल्टी हूँ और हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाते हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें या फिर मेंस की बात करें, जीएस पेपर वन की बात करें या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें, इन सारे में मौर्य साम्राज्य का जो विषय है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। कैसे महत्वपूर्ण रहता है वो हम देखेंगे। जब भी हम मौर्य साम्राज्य से बात करते हैं तो कब इसका स्थापना हुआ, कौन कौन इसके राजा थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, इनकी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी, वो सब हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं कुछ टाइम लूँगा, तकरीबन आधे घंटे में मैं कोशिश करूँगा कि मौर्य साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उससे आपको परिचय कराऊं, ठीक है। तो आज हम स्पेशली इस विषय में ये बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुआ, कैसे हुआ। दूसरा सवाल हमारा रहेगा, जिसका जवाब हम ढूंढेंगे, कहाँ हुआ। तीसरा, क्यों हुआ। चौथा, कब हुआ। ये सारे जो सवाल है, इस सारे प्रश्न का उत्तर हम इस छोटे से वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल है, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य क्या है क्या नहीं है, तो आज से 200 वर्ष पहले तकरीबन मौर्य साम्राज्य के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था। मौर्य साम्राज्य के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो कुछ बुकें हैं, जैसे उस समय प्राचीन भारत में हमारे पास बौद्ध लोगों के द्वारा लिखा हुआ कुछ किताबें हैं, जैन संप्रदाय ने कुछ किताब लिखी हैं, महापुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, इन सब ग्रंथों में कुछ कुछ चीज़ें मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखी गई है। कालिदास ने उनके बारे में लिखा है, बाणभट्ट ने उनके बारे में लिखा है, बट इन लोगों ने थोड़े थोड़े शब्दों में ही मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था। सबसे ज़्यादा जानकारी हमारे पास मौर्य साम्राज्य के बारे में तब आई जब भारत में 1837 में, मतलब 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने, जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि की खोज की, ब्राह्मी लिपि की खोज की। मतलब उस समय से जो अशोक के जितने भी इरित्स थे, जितने भी शिलालेख थे, उस सबको पढ़ा जाना शुरू हुआ 1837 के बाद। उसके बाद हमारे पास इतिहास में बहुत कुछ जानकारी मिली कि मौर्य साम्राज्य था, इतना पावरफुल साम्राज्य था, उनकी क्या विशेषताएँ थी, ज़्यादातर चीज़ें हमें 1837 के बाद पता चलती हैं। फिर से 1905 में, फिर से 1905 में जब हमारे पास अर्थशास्त्र जो है, जो पहले खो गया था, अर्थशास्त्र जो खो गया था, ये जब हमारे पास आया तो हमें ज़्यादातर जानना शुरू हुआ कि वास्तव में मौर्य साम्राज्य क्या था। तो सबसे पहले जो भी चीज़ हम जानते हैं, जो भी किसी के बारे में जानना होता है, तो सबसे पहले हमें सोर्स जानना होता है कि इसकी जानकारी हमें किस स्रोत से मिल रही है। तो सबसे पहले हम 2-3 मिनट तक स्रोत के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर में मौर्य साम्राज्य का स्रोत क्या था। सो आप जानते हैं, इतिहास पढ़ने के लिए 2-3 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला कि स्रोत दो तरह से होती है, एक स्रोत जो साहित्य के रूप में होता है, साहित्य लिटरेचर, और दूसरा स्रोत होता है आर्कियोलॉजी। कितने तरह से? दो तरह से स्रोत होते हैं। जो स्रोत है
स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया साहित्य और दूसरा जो स्रोत है हमारा वो पुरातत्व का है, आर्कियोलॉजी का पूरा तत्व। दो सोर्स, ये दोनों सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए। इन जो स्रोत है साहित्य और साहित्य और पुरातत्व में, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य में जो सोर्स है हमारे पास, वो दो सोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अर्थशास्त्र है जिसको किसने लिखा, चाणक्य ने लिखा। इनको दूसरा नाम भी बोला जाता है, इनको दूसरे शब्द में हम कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य। जो तीसरा नाम है इनका वो विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त। ये जो विष्णुगुप्त नाम है, ये नाम हमें अर्थशास्त्र जो है, जो अर्थशास्त्र 1905 ईस्वी में जो ढूंढा गया, अर्थशास्त्र जो है 1905 ईस्वी में ढूंढा गया। इसको जो ढूंढने वाले आदमी थे वो एक जो थे वो संस्कृत के विज्ञाता थे और लाइब्रेरियन थे, उनका नाम था रुद्र पतन श्याम शास्त्री, रुद्र पतन श्याम शास्त्री, रुद्र पतन श्याम शास्त्री उनका नाम था। इन्होंने 1905 में अर्थशास्त्र ढूंढा और बताया कि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में बहुत सारे चीज के बारे में चर्चा हुई है। इसमें अर्थशास्त्र का जनरली मतलब होता है इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स रिलेटेड होता है, मतलब ये जो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होगा। लेकिन ये जो अर्थशास्त्र था वो सिर्फ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं था, इसमें जो जानकारी है अर्थव्यवस्था के अलावा हमें राज्य प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, नियम कानून, प्रजा, अन्य कई तरह के रूल्स और रेगुलेशंस इसमें बताए गए। तो जो अर्थशास्त्र है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य समाज को जानने के लिए। दूसरा जो हमारा सोर्स है, इस सोर्स का नाम है इंडिका। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज ने जो लिखा है ये कई तरह की चीजें बोलते हैं। ये यहाँ पे आए थे चंद्र गुप्त मौर्य के टाइम पे यहाँ पे आए थे, इन्होंने कई सारे चीज लिखा है। बट ये जो इंडिका है इसका ओरिजिनल, इसका जो मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी जो है वो नहीं है, वो खो चुकी है। पर कई सारे ऐसे राइटर्स है ग्रीक में, उन्होंने अपने बुक में इनके बारे में लिखा है, मेगास्थनीज का जो इंडिका है उसके बारे में लिखा है, और वहां से हम जानते हैं। जैसे डेडोडियस है, स्ट्रेबो एरियन, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बुक में, ग्रीक के सारे इतिहासकार और भौगोलिक है, इन्होंने अपने बुक में इनके बारे में लिखा, तो हम उससे हम जानते हैं कि ये इस तरह से मेगास्थनीज ने इंडिका में चीजें लिखी थी। उन्होंने लिखा है कि सोसाइटी जो था 7 पार्ट में बटा हुआ था। उन्होंने लिखा है कि भारत में अकाल कभी नहीं आते थे, मतलब फामाइन कभी नहीं आई। उन्होंने ये लिखा है कि भारतीय जो लोग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होते थे, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते थे, बहुत सरल स्वभाव के होते थे। वो पूरा डिस्क्रिप्शंस अपने किताब में लिखते हैं। तो मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए। दूसरा जो है कुछ इंपॉर्टेंट अन्य साहित्य सोर्स है, जैसे विशाखा दत्त ने एक मुद्रा राक्षस किताब लिखा है। इस मुद्रा राक्षस जो किताब है इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, और पौरव एक पुरुष प्रिंस थे, सो चाणक्य और
पौरव प्रिंस के सहायता से इन्होंने नंद डायनेस्टी के अंतिम रूलर धनानंद को हराया और पाटलिपुत्रा के लोगों को इन सब व्यवस्था से बचाया और इन्होंने नई डायनेस्टी की स्थापना की जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये हम देखेंगे। दूसरी है, जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत चीज लिखा गया है, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन को अपना लिया। वो सर्वण वेलगाव साउथ स्पेशली दक्षिण प्रदेश में चले गए, उसके बाद वो वहाँ पे उनका देहांत हुआ। बौद्ध सोर्स में महावंश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, महावंश इनको जानने के लिए। और दूसरा है कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, ये सारे सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए। ये साहित्य सोर्स के अलावा जो शिला लेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, 14 प्रमुख शिला लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, लघु शिला लेख है और तीसरा स्तंभ शिला लेख है। तो तीन तरह का ऐसा स्रोत है जो पुरातत्व के अंदर आता है, जो अशोक के बारे में हमें बताता है। ये जो शिलालेख है वो पूरे भारत में प्रचलित है, मतलब भारत के हर हिस्से में ये जो रॉक एडिट्स है, शिलालेख है, पिलर है, ये सारे फैले हुए हैं। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ इंडिया का, उससे समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह से शिलालेख हर राज्य में बटा हुआ है। अगर आप ये मैप देखेंगे, इस मानचित्र में क्या देख रहे हैं, ये सब जो है शिलालेख है। जो पहला जो आपको ये जो नीली कलर का दिख रहा है, नीला कलर का शिला, ये स्पेशली पिलर है, स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख है। अगर आपको रेड में जाएंगे, ये जो गिरनार हो गया, स्मॉल सुपारा, जगौरा रीजन्स हो गया, फिर आपका महानसा, साहेबगढ़ी और कंधार, ये जो लाल कलर की जो चिन्ह दिख रही है, इस चिन्ह में स्पेशली जो मेजर रॉक एडिट से हो पाए गए, तो ये सारे जो सोर्स है हमें बहुत इंपॉर्टेंट बताता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हम कैसे जानते हैं। ये सारे स्रोत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं ये जानने के लिए कि मौर्यन जो स्पेशली जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना कब और कैसे हुई। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या देखेंगे, जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया, 321 BC में किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इन्होंने धनानंद को हराया। इसमें स्पेशली जब इन्होंने धनानंद को हराया तो धनानंद के टाइम पे जो मगध एम्पायर था, उनका जो राज्य था वो ये सब रीजन पूरा कब्जा था। ये सब जो है, ये पूरा जो प्रदेश है भारत का, ये सारा प्रदेश नंद डायनेस्टी, मतलब नंद साम्राज्य, जो नंद की जो काल थी उसी टाइम पे पूरा एरिया भारत के अंदर था। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य आए, आपको पता है कि ग्रीक सोर्स में ये भी कहा गया है कि जब एलेक्जेंडर भारत आए थे तो उनकी और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात हुई थी और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक नाम भी देते हैं, उनके अनुसार सेंड्रोकोटस, मतलब जब एलेक्जेंडर भारत आया था, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या किया था, मुलाकात किए थे और चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक भाषा में सेंड्रोकोटस कहा जाता है। इसकी ये जो मुलाकात हुई थी वो तकरीबन 1326 BC में हुआ था। ठीक है, इसके बाद जैसे एलेक्जेंडर वापस जा रहे थे, बेबीलोन में इनकी मौत हो गई, 32 साल की उम्र में इनकी देहांत हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे सेलिकस निकेटर नाम का राजा आया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। क्या नाम था, एलेक्जेंडर के बाद सेलिकस निकेटर राजा आए थे। ये जो थी, इनसे और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था।
इनसे और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को कई सारे राज्य मिल गए थे। आपने देखा कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे तो उनके टाइम पे ये राज्य उनके पास था, इतना राज्य। अब उनके पास हो गया कंधार, दूसरा जो राज्य है, एक तो हो गया कंधार, गांधार, बलूचिस्तान, कई सारे ऐसे राज्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। और अब मौर्यन डायनेस्टी का जो पिक्चर है वो यहाँ तक आ गया था। अब जो है ये पूरा मौर्यन डायनेस्टी हो गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इन से राज्य पे भी कब्जा कर लिया और यहाँ तक ये सब राज्य भी इनके अंदर अधीन आ गए थे। ओके, जब बिंबिसार राजा बने, तो इन्होंने स्पेशली इन सब रीजन पे भी कब्जा कर लिया। तो अशोक के राजा बनने से पहले ये सारा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये अशोक इनके पास था। सिर्फ यहाँ पे जो कलिंग जो जगह है, कलिंग, वो अभी तक स्वतंत्र था। तो इस तरह से हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस तरह से मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की। इन्होंने सेलिकस निकेटर को हरा के पूरा जो उत्तर पश्चिमी इलाका है सबका सब अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद अपने उम्र के आखिरी दौर में, कब, अपने उम्र के आखिरी दौर में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। क्या अपना लिया? जैन धर्म अपना लिया। जैन धर्म अपनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलागोला में चले गए। मैसूर के पास श्रवण बेलागोला, जो मैसूर के पास है वहां चले गए और इन्होंने सेले खाना अपनाया। क्या अपनाया? इन्होंने सेले खाना अपना लिया। ये जो सेले खाना वर्ड है, सेले खाना का मतलब होता है मृत्यु पाने तक अन्न की त्याग कर देना, मतलब मृत्यु के उपलक्ष्य में खाना पीना बंद कर देना। तो अपने आखिरी दम तक के खाना पीना छोड़ दिए थे और सेले खाना अपना लिए और मृत्यु की प्राप्ति कर ली, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे श्रवण बेलागोला में अपने राज्य को अपने पुत्र बिंबिसार के हाथों में सौंप के चले गए। जब बिंबिसार राजा बने, जब स्पेशली अपने पुत्र बिंदुसार के हाथों में सौंप के चले गए, जब बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का गद्दी भार संभाले, उस समय आप देखते हैं कि ये सारा पार्ट पहले ही मौर्य साम्राज्य में था, इन्होंने इस पार्ट को अपनाया और ये सारे राज्य पे उन्होंने अपना रूल किया। जब बिंदुसार यहाँ पे रूल कर रहे थे तो स्पेशली कई सारे राज्य, जैसे उड़ीसा इंडिपेंडेंट था, इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स किए अपने राज्य में, कई सारा बदलाव किए। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीक स्रोतों में भी इनके बारे में चर्चा है। जो ग्रीक है, जो यूनानी लोग है, इनको अमित्र चेतस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीक सोर्स में बिंदुसार को अमित्रो चेट्स बोला गया है। ग्रीक सोर्स में इनको अमित्रो चेट्स बोला गया है और महावंश जो है उसमें अमित्र घात बोला गया है। इनको अमित्र घात, इन दोनों का मतलब होता है अपने दुश्मन को तबाह कर देना। इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने इस तरह से रूल किया। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि दीप वंदना एक लेख है, बुद्धिस्ट राइटिंग है। तो दीप वंदना से हमें पता चलता है कि इन्होंने स्पेशली आजीविका ज्वाइन किया था। आजीविका एक नए तरह के सार्वजनिक धर्म था उस समय।
छठी शताब्दी में कई सारे सार्वजनिक धर्म आए थे, ब्राह्मण जो धर्म के खिलाफ था। इस पे खासकर अगर आप बात करें बुद्धा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका और कई सारे 64 अन्य संप्रदाय थे उस समय। इन तो पहला जो राजा था इनका चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन अपना लिए। दूसरा राजा जो बिंदुसार है वो आजीविका अपना लिए। और तीसरा जो राजा आएंगे वो हम देखेंगे बौद्ध धर्म को अपनाया। इस तरह से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इनकी जो मृत्यु है, बिंदुसार की जो मृत्यु है वो 273 ईस्वी में हो जाता है। कितने ईस्वी में? 273 BC ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो नया जो राजा आए थे अशोक का, उनका क्या कालक्रम था। इसके बाद हम अगर जाते हैं अशोक के बारे में, तो सबसे बड़ा सवाल है कैसे अशोक राजा बना। ठीक है, आपको पता है स्पेशली जब इनके पिता मरे थे तो ये तक्षशिला में थे। जब इनके पिता मरे थे तो अशोक जो थे वो तक्षशिला में थे। ठीक है, एक बुद्धिस्ट सोर्स है, स्पेशली उसकी नाम है दिव्य वंदना। दिव्य वंदना जो बुद्धिस्ट अभिलेख है, दिव्य वंदना, इसमें कहा गया है कि बिंदुसार, इसमें कहा गया है कि बिंदुसार थे वो अपने प्रिय पुत्र सुसीमा को राजा बनाना चाह रहे थे। पर जो बिंदुसार के मंत्री थे, वो चाह रहे थे अशोक राजा बने। ठीक है, आप जानते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी में हो चुकी थी। 273 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद अशोक ने 4 वर्ष टाइम दिया। अशोक ने 4 वर्षों तक इधर उधर घूमा और इन्होंने अपने 99 भाइयों को मार के फाइनली अंततः 269 BC में राज्यभार संभाला। तो 269 BC में अशोक जो है वो राजा बन जाते हैं। राजा बनने के पश्चात एक कई सारे रिफॉर्म्स करते हैं। तो 269 ईस्वी में अशोक जो है राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अशोक के बारे में जो दूसरी चीज़ हम चर्चा कर सकते हैं वो उनका नाम, अशोक नाम, अशोक को क्यों पड़ा। अशोक का मतलब जो होता है, अगर आप अशोक जाएंगे तो अशोक का मतलब क्या होता है? अशोक मतलब ऐसा आदमी जिसके पास शोक नहीं है, शोक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो माता थी उनका नाम था शुभद्रांगी। इनकी जो माता थी शुभद्रांगी, वो अपने हस्बैंड मतलब अपने जो पति थे बिंदुसार, उनके साथ नहीं रहते थे। एक टाइम ऐसा हुआ जब वो दोनों आपस में मिल गए और उनके पास कोई दुख नहीं था। तो जब वो आपस में मिल गए, जब कोई दुख नहीं हुआ, जब अशोक पैदा हुआ, उसी समय से उनका नाम अशोक पड़ा। कि अशोक का जन्म होते ही उनके जो पिता है अशोक के, उनके माता से फिर से मिल गए, तो रीयूनियन जो हुआ इसको हम अशोक बोलते। एक तो एक चीज़ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अशोक ने, अगर खासकर दो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है साहित्य के जाएंगे, एक का नाम है दीपवंश और दूसरा का नाम है महावंश। दीपवंश और महावंश में बताया गया है कि
अशोक की कई सारे पत्नियां थी, अशोक की कई सारी पत्नियां थी, उस पर हम बात करते हैं अशोक के पत्नी के बारे में, ठीक है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पत्नी थी इनकी, पत्नी अशोक का, और किस सोर्स से हमें पता चलता है, जो हमारे पास सोर्स है वो दीप वंश बुद्धिस्ट लिटरेचर है और महावंश। तो इस दीप वंश और महावंश से हमें पता चलता है कि जो इनकी जो पहली पत्नी थी वो जो था वो प्रेम विवाह था। कौन सा विवाह था? प्रेम विवाह। इस प्रेम विवाह से जिससे इन्होंने शादी किया था पहली, उनका नाम था महादेवी। क्या नाम था? महादेवी। इन्हीं महादेवी से दो, एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। एक का नाम था महेंद्र, एक का नाम था महेंद्र और दूसरा थी संघमित्रा। संघमित्रा ये दोनों ऐसे थे जिनको अशोक ने धम्म की प्रचार करने के लिए सिलोन भेजा था। सिलोन जो था उस समय श्रीलंका को बोलते थे, ठीक है। पहली पत्नी ये थी। दूसरी जो पत्नी इनके थी, कई सारे राइटिंग्स ऐसे हैं, एक का नाम था असंधिमिता। जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था असंधिमिता। जो तीसरी पत्नी थी उनका नाम था पद्मावती। पद्मावती। जो चौथी वाइफ थी इनकी पत्नी, उनका नाम था तीसा रचिता। तीसा रखिता। और एक और जो पत्नी थी उनका नाम था करुवती। करुवती। इनके एक पुत्र थे, इनके एक पुत्र थे जिस पुत्र का नाम था तिवारा। तिवारा, ठीक है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो ये जो जो, जो वाइफ थी, इनका जो नाम था तीसा रखिता, ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं करती थी। इनको बहुत ही ज़्यादा जेलस था कि अशोक बुद्ध धर्म को क्यों इतना प्रचलन देते हैं। तो जो तीसी रखिता है, इन्होंने बोधि ट्री को कटवाने का ऑर्डर दिया, मतलब इन्होंने आदेश दिलवाया कि बोधि ट्री को है जो वो कट, मतलब काट दिया जाए। बोधि ट्री कई बार काटा गया है, कुछ सुमित्र सुंग भी बोधि ट्री जो पेड़ जो था उसको, जो बोधि जो वृक्ष है उसको, जो पीपल के जो वृक्ष था उसको कटवाया है, ठीक है। पर कई बार काटा गया है, कई बार लगा दिया गया है। तो ये इंटरेस्टिंग है इनके बारे में। दूसरी जो है, ये जो जो वाइफ है करुवती और तिवारा, ये सिर्फ ऐसी वाइफ है अशोक के बारे में, और तिवारा ऐसे सन है जिनके बारे में सिर्फ जो शिला लेख है उसमें चर्चा है, और कोई भी जो अभिलेख है अशोक का, उन सारे अभिलेख में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है। किसी भी रानी, किसी भी बेटे के बारे में उनमें चर्चा नहीं किया गया है, सिर्फ हमें इन चीज़ों में चर्चा, इवन महेंद्र और जो संघमित्रा है, इनकी चर्चा बुद्धिस्ट लिटरेचर दीप वंश और महावंश में मिलता है, उनके इंग्रेस में कोई भी चर्चा नहीं मिलती है। इस तरह से इनका पत्नी का जो जो जीवन था वो ये था। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थी इनके पास, अशोक जब रूल कर रहे थे पूरा राज्य इनके पास था, सिर्फ तीन राज्य इनके पास नहीं था स्पेशली, ओके। तो जो आप जाएंगे, कलिंग जो था, कलिंग राज्य इनके अंदर नहीं था। तो जब ये राजा बने, कब राजा बने? 269 BC, ठीक है। तो अपने राजा बनने के 9वें साल में, कौन से 9वें वर्ष में, 9वें वर्ष का मतलब हो गया 261। सो 261 में इन्होंने कलिंग पे चढ़ाई की। किस पे? कलिंग राज पे, जो अभी के उड़ीसा है। जब कलिंग राज पे इन्होंने चढ़ाई किया, तो कलिंग को जब जीता, जब कलिंग को हराया गया, कलिंग को हराने का बहुत कारण था। एक तो कलिंग के पास बहुत धन थे, दूसरा
जो व्यापार होती थी समुद्री व्यापार, उसके लिए कलिंग बहुत अच्छा था उसके नीचे, क्योंकि पूरा समुद्र है। और तीसरी रीजन ये थी, तीसरी जो मुख्य कारण है, वो दक्कन वाले क्षेत्र में आसानी से जा सकते थे इस रास्ते से, पाटलिपुत्र से उड़ीसा होते हुए, ये मेन रीजन था। जैसे ही उन्होंने इनको हराया, जैसे ही कलिंग को हराया, जब वो फील्ड में गए, उन्होंने देखा कि पूरी तरह लाश ही लाश पड़ी हुई है। वो लाश सिर्फ कलिंग के राज्य का नहीं था, वो लाश सिर्फ सेना का नहीं था, वो लाश आम इंसान की थी। उसमें जो सेना मरी वो कलिंग की भी सेना थी और मौर्य साम्राज्य का भी सेना था। जैसे ही उन्होंने सब चीजें देखा, शॉक हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने ध्यान लिया कि अब मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना है, अब मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना है। एक 13 नंबर का शिला लेख है, एक 13 नंबर का शिला लेख है, उसमें ये बताते हैं कि मुझे अब लड़ाई नहीं लड़नी है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सो क्या आप देखें अतः कि 261 ईस्वी आते आते इन्होंने प्रण लिया, जब कलिंग वार देखे, कलिंग युद्ध लड़े, जब देखे इतने सारे लोग मारे गए हैं, तो इन्होंने प्रण लिया कि अब ये युद्ध नहीं करेंगे। यहाँ से अशोक के धम्म की शुरुआत होती है। तो हम थोड़ा देर धम्म पे चर्चा करते हैं कि धम्म क्या है। जो अशोक का जो धम्म था, वो धम्म क्या बुद्धिज्म था, धम्म में और बुद्धिज्म में कुछ अंतर है, इस बात पे थोड़ा सा हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। तो अशोक ने इससे पहले उन्होंने क्या किया, धम्म की स्थापना किया। अशोक का जो धम्म है, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने ये बोला, अब मुझे दिग्विजय नहीं बनना है, अब मुझे दिग्विजय नहीं बनना है, दिग्विजय नहीं बनना है, बल्कि अब हमें धम्म विजय बनना है, धम्म विजय बनना है, ठीक है। इन्होंने बोला अब मुझे बिहार यात्रा पे नहीं जाना है, हम मुझे बिहार यात्रा पे नहीं जाना है, मतलब जो राज्य लोग जो अपने प्लीजर के लिए वहाँ पे नहीं जाना है, बल्कि अब मुझे धम्म यात्रा पे जाना है। जो तलवार है अब मुझे तलवार नहीं चलाना है, बल्कि अब मुझे धर्म की बातें करनी है, अब मुझे धम्म की बातें करनी है। इस तरह से धम्म की शुरुआत हुआ। अशोक का जो धम्म की शुरुआत थी, ये नए तरह का कोई रिलीजन नहीं था, बल्कि ये सामाजिक उपकरण था। मतलब ये चाहते थे कि इनके समाज में कोई भी लड़ाई न लड़े। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको दिखेगा कि इसके अशोक के पास बहुत सारे समस्याएं थी। उन्होंने जब समाज को देखा युद्ध के बाद, तो उन्होंने देखा युद्ध में तो लोग हारे हैं, लोग मरे हैं, और उसके अलावा भी समाज में कई सारे समस्याएं हैं। इन्होंने देखा कि समाज में जो समस्याएं हैं वो ये महत्वपूर्ण है, जो समाज में जो समस्याएं हैं इस तरह की अशोक ने देखा। पहला चीज इन्होंने देखा कि समाज में लोग विभिन्न प्रकार के धर्म को पालन करते हैं, क्या विभिन्न समाज में लोग विभिन्न प्रकार के धर्म को पालन करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने देखा समाज में लोग विभिन्न प्रकार के धर्म का पालन हो रहा है। जब विभिन्न प्रकार के धर्म होगा तो क्या होगा, ये जो है कई लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, है ना, कई लोगों में लड़ाई की भावना पैदा होगी, कई लोगों में लड़ाई की भावना पैदा होगी, लोग आपस में लड़ाई करेंगे, स्पेशली जो है कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इससे क्या होगा, राज्य में अशांति फैलेगी, इसलिए बोला कि यहाँ लड़ाई नहीं होना चाहिए, इसलिए
एक ऐसा प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए जो धर्म से उठ के हो, ओके। इसलिए इन्होंने धम्म की शुरुआत की, इसलिए अशोक ने धम्म की शुरुआत की। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने देखा दूसरी जो समस्याएं थी वो दास था, दास लोगों का शोषण बहुत ज्यादा होता था। क्या होता था? शोषण होता था। तो इन्होंने देखा इनको बचाना है। दूसरा ले देखा जो समाज है, समाज और परिवार, इन सब में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। तो इन्होंने सोचा एक ऐसा सलूशन लाना है जिससे सब लोग शांति से रहे, इसलिए इन्होंने धर्म की शुरुआत की। इनका जो धर्म था इसमें पूजा पाठ नहीं था, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, या फिर यज्ञ, हो गया पशु की हत्या, ये सब जो चीजें हैं ये इनके अशोक के धर्म में नहीं। तो अशोक ने इन सब को क्या किया, बैन कर दिया। अशोक के चीजों में सब चीज नहीं थी। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है कि ये सारे चीज जो है ये हमें, ये सारे चीज जो मना है वो बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म में भी ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती है। तो इन्होंने बोला, इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया, इनको लगा कि अब हमें ऐसी सोसाइटी बनानी है, समाज बनानी है जिसमें लोग भाईचारा से रहे, ठीक है, लोग हमेशा सत्य पे ध्यान दें, लोग अहिंसा के रास्ते पे चले, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अशोक ने इसकी शुरुआत की। धर्म को प्रचार के लिए अशोक ने कई सारे राज्य में अपने दूत भेजे। इन्होंने एक नया तरह का ऑफिसर, एक नया तरह का पद बनाया जो खासकर धर्म का प्रचार कर सके। इसको बोलते हैं हम धर्म महामात। जो है इनकी मेन पोस्टिंग थी कि पूरा जो धर्म का प्रचार पूरे प्रदेश में किया जाए। इन्होंने धर्म के प्रचार करने के लिए अपने बेटी और बेटा को सिलोन भेजा। सिलोन का मतलब होता है श्रीलंका। उत्तरी पूर्वी राज्य में भी कई जगह भेजा। इन्होंने धर्म के प्रचार करने के लिए सिलोन के अलावा स्पेशली जो दूसरे जो राज्य है प्रदेश उस समय के, सीरिया, इजिप्ट, यूनान, इन सब राज्य में धर्म के प्रचार करने के लिए अपने लोगों को भेजा। कहा जाता है स्पेशली जो बुद्धिस्ट परंपरा है उसके अनुसार कुल 27 वर्ष तक इन्होंने रूल किया। कुल 27 वर्षों तक अशोक ने रूल किया। अशोक के कई सारे पुत्र थे लेकिन कोई भी अशोक का जो सिद्धांत था, अहिंसावादी, सेना को नहीं रखना, है ना, अहिंसा के रास्ते पे चलना, युद्ध नहीं लड़ना, कलिंग युग के बाद, कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि अशोक का जो पैसिफिस्ट पॉलिसी था, जो शांतिवादी का जो पॉलिसी था एक महत्वपूर्ण कारण था मौर्य साम्राज्य को डिक्लाइन होने में। अशोक जैसे ही मरे जो इनका जो साम्राज्य है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अगर आप जैन परंपरा के बारे में जाने, और एक दो बुक है जिसके बारे में अशोक के वंशज के बारे में पता चलता है, एक राइटिंग है वायु पुराण। वायु पुराण के अनुसार हमें पता चलता है कि अशोक का जो बेटा था जूनाल
इन्होंने तकरीबन 8 वर्ष तक राज्य संभाला। इसके बाद इनके जो बेटा थे एक बुद्धिस्ट सोर्स से पता चलता है कि इनके जो बेटा थे उनका नाम था संप्रति। इन्होंने बाकी साल तक रूल किया। उसके बाद एक हमारा बाण भट्ट की जो बुक है उसका नाम है हर्ष चरिता। इससे पता चलता है कि अशोक का जो मौर्य साम्राज्य का आखिरी वंशज था उसका नाम था बृहद्रथ। इसको इनके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने हत्या कर दिया और उसके बाद भारत में सुंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है। भारत में सुंग काल की शुरुआत होती है। तो इस तरह मौर्य साम्राज्य का पतन जो है, आप देखे हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी वो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद 3-4 और राजा थे और लास्ट में 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, जिसमें बृहद्रथ जो है अंतिम शासक होते हैं। इस तरह से 185 में मौर्य साम्राज्य खत्म होता है। कुल मिला के मौर्य जो साम्राज्य है वो 136 वर्ष तक चला। तो इस तरह से हमने समझा कि 136 वर्ष बाद आखिरकार 185 ईस्वी में जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन हो जाता है। हम यहाँ पे प्लूटस आईएएस के क्लासेस में हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि किस तरह से मौर्य साम्राज्य, इसके दूसरे क्या पहलू थे, जैसे धर्म के और क्या पहलू थे, उसके बाद इनकी कला और कृति क्या थी, इन्होंने किस तरह के इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे, इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ गई हैं, सारे इंस्क्रिप्शन में किस तरह की बातें लिखी गई हैं, इनके पतन होने के विभिन्न क्या और मुद्दे थे, इतिहासकारों में क्या विचार है, इनके काल में जो साम्राज्य था उनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, इनकी राजनीतिक और न्याय व्यवस्था कैसे थी, यहाँ पे अर्थव्यवस्था का क्या प्रचलन था, ये सारे जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे प्लूटस आईएएस के क्लासेस में पढ़ेंगे। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार में, तो हम आपके लिए यूट्यूब पे भी इस टॉपिक पे फिर से नया वीडियो बना सकते हैं, दूसरी पार्ट, और उस पार्ट में मौर्य साम्राज्य के अन्य पहलू के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप दूसरे टॉपिक पे भी चाहते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे जो चैनल है प्लूटस आईएएस उसको सब्सक्राइब करिए, और क्लासेस में हम इसमें बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। प्लूटस आईएएस में हम हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ जो बैच होता है वो बहुत लिमिटेड बैच होता है, मतलब 30-40 लोगों का बैच होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, बच्चे के साथ बात करते हैं, सवाल है, डिस्कशन बेसिस पे हम ध्यान देते हैं, मतलब यहाँ पे जो है स्पेशली विचार विमर्श पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हिंदी माध्यम के लिए अलग से बैच हमारा शुरू हो रहा है प्लूटस आईएएस में, जिसमें हिंदी माध्यम वाले बच्चों को भी अच्छी तरह से हर चीज़ों पर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।